हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आज मैं जेई एडवांस का कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि मैं इस वीडियो के फेवर में नहीं था, क्योंकि इस वीडियो पे जनरली आमतौर पे कम व्यूज आता है, क्योंकि जेई एडवांस के एस्पिरेंट्स आपके कम होते हैं। और दूसरा बात ये होता है कि इस तरह का जो भी स्ट्रैटेजी वाला वीडियो होता है, ये बड़े चैनल पे ज़्यादा चलता है, छोटे चैनल पे उतना चलता नहीं है। और हालांकि आपका प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के कमेंट आ रहा था कि भैया कुछ टिप्स शेयर कर दीजिए, कुछ बता दीजिए, तो मुझे लगा अगर मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ तो आपको कर देना चाहिए। तो बस एकदम रैंडमली आज वीडियो बनाने का प्लान बना, अभी शूट कर रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली आज ही आपका अपलोड भी हो जाएगा। ये मैं पहले बता दूं आपका कि ये वीडियो टॉपर्स लोगों के लिए नहीं है, जिनका उस लेवल का प्रिपरेशन हो चुका है, उन लोग इस वीडियो को ना देखें, यहीं पर लीव कर दें। पर जिन लोगों को एक एवरेज स्कोर या एक डिसेंट स्कोर लाने की एक्सपेक्टेशन है, वो इस वीडियो में बने रहें। तो कुछ टिप्स शेयर करने से पहले मैं एक और बात पर चर्चा करना चाहूँगा। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि भैया हम कन्फ्यूज्ड हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि एडवांस का मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा मेंस में उतना अच्छा मार्क्स आया नहीं या एडवांस में उतना तैयारी नहीं है, बहुत मोरल डाउन है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तैयारी करें या ना करें। तो पहले मैं उनके सवाल का जवाब देता हूँ और उसके बाद मैं टिप्स पर जाऊँगा। और जिन लोगों को एकदम क्लियर इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एकदम डेडिकेटेड है अपना तैयारी में, वो लगे हुए हैं, तो वो डायरेक्टली स्किप करके वो टिप्स वाला पोर्शन देख सकते हैं। देखिए, ये जो सवाल है आपका, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे होते हैं एडवांस का आपका, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा ये बात रहता है, क्योंकि एडवांस का तो काफ़ी ज़्यादा एकदम नाम बढ़ चढ़ के सुने रहते हैं, उनको लगता है हम कैसे उसमें मतलब कम्पीट कर पाएंगे। तो देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है ना। अगर आपने 40-50% सिलेबस को भी अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी का बात किया, अगर मेंस में आपने 40,000 के अंदर या 45,000 के अंदर भी अगर आपने स्कोर किया है, तो इसका भी आइडिया मैं लगा सकता हूँ कि एटलीस्ट आपने 50% सिलेबस तो आपने कवर किया होगा ढंग से। तो आपने 40-50% जो भी पढ़ा है, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया उन चैप्टर्स का, देन यू आर इन टू द गेम। क्लियर बात है ये आपका। देखिए, मैं यहाँ पे रैंक का बैरियर नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि अगर आपका इतना परसेंट सिलेबस कंप्लीट है तो जनरली होता है कि हाँ उतना स्कोर आप लेते होंगे मेंस में। नहीं भी लाए अगर, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा ही एक फ्रेंड था जिसने आपका मेंस में 60,000 रैंक लाया था उसने, और एडवांस उसने क्वालिफाई कर लिया था जनरल या फिर EWS कैटेगरी का था। और दूसरा ही वहीं पे मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेंस में 24,000 रैंक लाया था और एडवांस में वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाया, OBC कैटेगरी था। जरूरी नहीं कि आपका पूरा सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि एडवांस में मेंस और कम स्कोर आपको करना पड़ता है। क्लियर बात है आपका। क्योंकि अगर आपने 50% भी जो अच्छे से पढ़ा उसमें अगर 40% भी स्कोर कर दे रहे हैं, तो आपको अंदाजा नहीं कि आपका रैंक कहां पे पहुंच जाएगा। मैं जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूं। और OBC EWS के लिए अगर आप 30-35% केवल आप स्कोर कर लेते हैं, तो आपको एक ढंग का जगह मिल सकता है। तो ध्यान आपका इसी बात पे बस रहना चाहिए कि मैं जितना भी पढ़ चुका हूं उसी को मैं अच्छे से कन्वर्ट कर लूं। तो चलिए, अब कुछ टिप्स या स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं आपका। तो पहला, आपने ऑलरेडी कई सारे वीडियोज में सुन रखा होगा कि लास्ट समय में कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपका। इसमें मैं और कुछ थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जैसे अभी हम लोग बात करते रहते हैं कि 40-50% सिलेबस भी जो आपने कंप्लीट कर रखा है, तो केवल उन चैप्टर्स को ही, 40-50% चैप्टर्स को ही आप काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करिए, पूरे के कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए समझिए। क्योंकि आपको ज़्यादा स्कोर का टारगेट नहीं रखना, आप 35% स्कोर के अराउंड भी लेते आ रहे हैं तो काम चल जाएगा आपका। और साथ में वो जितने चैप्टर्स हैं जो आपका अच्छे पे से पकड़े उन पे, उनका आप प्रीवियस ईयर एडवांस का पेपर जरूर सॉल्व करिए। दूसरा बात ये, आपका एकदम नए नए बुक से या जगह से क्वेश्चन कलेक्ट करके सॉल्व करने से बेटर ये है आपका कि आपने अगर प्रीवियस ही कोई मॉड्यूल या फिर कोई पैकेज बुक आपने लगा रखा है, उन्हीं का जो टफ क्वेश्चन था, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उनको आप फिर से सॉल्व करके अच्छे से रिवाइज करके कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और एडवांस का प्रीवियस ईयर का जो उन चैप्टर्स का क्वेश्चन था उनको लगा लीजिए। और जब ये आप अपने लिए 40-50% चैप्टर सेलेक्ट कर रहे होंगे, उस समय ये ध्यान रखिएगा कि आप जो चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हैं वो मेजर चैप्टर होना चाहिए। जेईई मेंस में हम लोग क्या कर देते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स को भी हम लोग कंसीडर कर लेते थे, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। पर एडवांस में ऐसा नहीं करना, आपको जो मेन बड़ा बड़ा चैप्टर है आपका, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब हो गया, मैथ्स में आपका फंक्शंस हो गया, फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब हो गया। तो अभी आप जब कॉन्सेप्ट रिवाइज करने बैठेगा, तो ये बड़े बड़े जो मेन चैप्टर्स है ना, उनको आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि एडवांस में एक ही चैप्टर से मेन चैप्टर से आपका 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा, और छोटे चैप्टर से हो सकता है कि एक आए भी नहीं। मेंस में पर वैसा रहता था नहीं, मेंस में तो लगभग पूछ ही लेता था वो छोटे छोटे चैप्टर से भी क्वेश्चन। पर आपको एडवांस में ध्यान रखना है कि आप बड़े चैप्टर को ही आप अच्छे अमाउंट में किए हुए हैं, तो समझ लीजिए एक चैप्टर से ही आपका 3-4 क्वेश्चन आ जाता है, या 5 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जिन भी मेन चैप्टर्स में आप कंफर्टेबल हैं, उन मेन चैप्टर्स को पहले अच्छे से रिवाइज करिए। दूसरा बात ये आपका, मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा ना हो आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर ना हो। जैसे मेरे फ्रेंड को हुआ था कि 150 नंबर लेके आ गया था एडवांस में, पर मैथ्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था 1 या 2 नंबर से।
तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वैसा वीक है तो अभी आपका कुछ समय है, उसमें आप क्या करिए, उन सब्जेक्ट्स का ही कोई दो तीन मेन चैप्टर आप उठा लीजिए। जो मेन चैप्टर है, ऐसा तो होगा नहीं कि वो सब्जेक्ट पूरा ब्लैंक होगा, उन सब्जेक्ट में जो कुछ कुछ मेन चैप्टर्स में आप कंफर्टेबल हैं उन चैप्टर्स को आप अच्छे से बना लीजिए यार, कि एटलीस्ट कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाए उस सब्जेक्ट से। अगला पॉइंट जो है वो मे भी हो सकता है कि आप लोग नहीं जान रहे होंगे, तो अच्छे से समझिए इस चीज़ को। देखिए मेरा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि लास्ट मोमेंट पे आपको क्या आप लोग करते हैं कि टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग वो अभी जो 10 दिन का समय बचा हुआ है या 1 हफ्ता का बचा हुआ है उसमें आपको ये चीज़ नहीं करना है। जब आपका प्रिपरेशन ही अभी वीक है तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह दे करके उसमें समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। वो उनके लिए है कि जो अच्छे से पढ़ चुके हैं और उनको प्रैक्टिस करना है पूरा, क्योंकि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप अपना जो 3 घंटा 6 घंटा है इसी में लगाते हैं, कितना ज़्यादा हम सॉल्व कर पा रहे हैं पेपर को। आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है, पर वहीं पर अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट सारा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ज़रूरत आपका भी इसी चीज़ का, आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। जैसे एडवांस में तो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कम होता है मेंस कंपैरिजन में, और ऊपर से आपको जब 40-50% सिलेबस पर ही हाथ पैर मारना है तो आपके लिए क्वेश्चन तो और कम हो गया, तो आपको एक सफिशियंट टाइम मिलेगा एडवांस में। मेन जैसा हड़बड़ी नहीं रहेगा कि हाँ भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जल्दी जल्दी भी आदत होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। एडवांस में आप चिल रह करके भी सॉल्व कर सकते हैं पेपर को। तो अभी आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके हैंड में आ जाए। अभी 10 टॉपिक पे पकड़ है तो 20 टॉपिक पे कमांड आ जाए आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप कम सिलेबस को कंसिडर कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें तो आपका अच्छे से चीज़ पकड़ में होनी चाहिए। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि जो भी आपके मेन चैप्टर हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, उन सब चैप्टर्स में से जिन चैप्टर्स में आप कंफर्टेबल हैं उन मेन चैप्टर्स को आप उठाइए, अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, और उनसे आप प्रीवियस ईयर पेपर का कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए, या फिर ऑलरेडी आप कोई बुक या मॉड्यूल सॉल्व किए हुए हैं तो उनका आप क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए। चलिए बस इतना ही था इस वीडियो में, बहुत ही कम दिन बचा है आपको एडवांस के लिए, तो जितना कम से कम समय आप वेस्ट करिएगा उतना आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि अभी तो आपको नहीं पता चलने वाला है, पर जब एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर बाद में बस अफसोस ही करते रह जाइएगा। अभी आपको भले उतना फील नहीं हो रहा होगा पर बाद में इस चीज़ का आप गिल्ट करते रह जाइएगा, क्योंकि समय निकल जाने के बाद सबको पछतावा आता है। और एग्जाम से पहले मैं आपका एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बात आपको ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम के लिए, कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं खास करके एग्जाम के समय, जिनको आप अवॉइड करके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सपोर्ट हुआ होगा तो फिर मुझे भी सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा करके अपडेटेड रहिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।